अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किन किन साथियों को जो इंटर्नशिप है वो कितने कितने महीने करनी है, क्या इंटर्नशिप 3 महीने करनी है या फिर आपको 2 साल करनी है। ठीक है ना, इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, और मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप सभी जिलों के बना दिए, उनसे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, उससे पहले साथियों आप यहाँ देख सकते हो मैंने ग्रो ऐप से 3 व 4 सितंबर को साथियों 100-100 रुपये कमाए, तो छोटी सी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो आप भी पैसे कमाइए, अकाउंट फ्री में बनेगा, प्रति फ्रेंड आपको 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। अकाउंट बनाना नहीं आता है तो YouTube पे सर्च कर लेना ग्रो ऐप अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है ना, और आप भी घर बैठे पैसे कमाइए और बेरोजगारी भत्ते से कई गुना आप पैसा आप होती आसानी से कमा सकते हैं। ये देखो साथियों, बात की जाए इंटर्नशिप कब तक करनी है। देखो साथियों, इंटर्नशिप का टाइम है वो साथ सभी साथियों का अलग अलग होता है। जैसे जिन साथियों का फॉर्म अभी अप्रूव हुआ है तो उनके पूरे 2 साल इंटर्नशिप करनी है, यानी जब तक आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी साथी की भाई 2022 जनवरी में 10 किस्त आ चुकी थी, तो आपको वही बची कितनी, आपकी 14 किस्त है ना, क्योंकि 24 किस्त मिलती है एक कैंडिडेट को, यानी 2 साल आपको भत्ता मिलता है तो उसको 14 महीने करनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि आपको जिन साथियों के फॉर्म अप्रूव हुए हैं उनको 24 महीने यानी 2 साल इंटर्नशिप करनी है। जब तक इंटर्नशिप करोगे भत्ता आपको मिलता रहेगा। इफ काफ़ी साथी कहते हैं कि सर 3 महीने क्या है। देखो साथियों, 3 महीने का एक कोर्स होता है RSLDC। ठीक है ना, यदि मान लो वो आपके पास नहीं है, तो यदि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आपने BEd कर रखी है, BSTC कर रखी है, ठीक है, RCIT कर रखी है, तो आपको 3 महीने का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 महीने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको इंटर्नशिप करवाई जाएगी उसके बाद आपको घर बैठे भत्ता मिलेगा। नहीं, भत्ता तो आपको तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओ।